हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ ब्रजेन। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश में हमारा टॉपिक है जेंडर। और जेंडर के लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट जेंडर्स दिए थे उन्हें लर्न करने के लिए। आई होप आपने लर्न किया होगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आप इनका आंसर कॉमेंट में कर सकते हैं। आपको बताना है कि फॉक्स जो होता है ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा फॉक्स का, आप कमेंट कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको बताना होगा कोल्ड, एक वर्ड था COLD, कोल्ड का आपको कमेंट करना है किसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे मॉन्क का पूछता हूँ, MONK, ये मॉन्क होता है जो, इसका इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा ये आपको कॉमेंट करना है। ये तीन वर्ड आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, फॉक्स, कोल्ड और मॉन्क। मैं देखता हूँ कितने लोगों को याद है, ये तीन ही मैंने दिए, इनफैक्ट मैंने काफ़ी आपको दिए थे तो काफ़ी आपको। अच्छा, ये एक और ट्यूटर का बता दीजिएगा, ट्यूटर TUTOR, ट्यूटर का भी आप फैमिली जेंडर अगर आपको याद है बिना कॉपी के तो आप कमेंट करके बताएं ट्यूटर का जो है क्या होगा फैमिली जेंडर। तो ये इसलिए था कि मुझे पता चले कि आप वाकई इसको दिल से पढ़ रहे हैं या ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं देखूंगा ज़रूर और अप्रिशिएट भी करूंगा अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा सेंटेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो जेंडर से रिलेटेड होते हैं, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इनको आप लर्न नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में गलती होना स्वाभाविक है, आप गलत ज़रूर करेंगे। इसलिए इनको ध्यान से पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसमें 3-4 रूल मैंने शामिल किए हैं और बहुत सारी विस्तृत जानकारी मैंने दी है। चलिए शुरू करते हैं। और तो चलिए, पहला नियम यहाँ पे, रूल नंबर फर्स्ट, ऐसे नाउंस जो सुंदरता यानी कि ब्यूटी, कोमलता टेंडरनेस, धैर्य ये आपका टॉलरेंस कह सकते हैं, सज्जनता जेंट्री, दया मर्सी ममता ये जो आपका अफेक्शन, यानी कि ऐसे नाउन जो सुंदरता कोमलता धैर्य सज्जनता दया ममता इनका गुण इनका भाव रखते हैं, इनका बोध कराते हैं, इनका हमें ज्ञान देते हैं, इनका एहसास कराते हैं, उन्हें माना गया फेमिनिन जेंडर। ये थोड़ा सा मिस्टेक में लिखा हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा, फेमिनिन जेंडर माना गया है। और इसलिए क्योंकि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो लक्षण हैं, ये नैसर्गिक रूप से नेचुरली ये फीमेल के होते हैं, इसलिए इन्हें हम न्यूट्रल मानेंगे। कौन कौन से होंगे, जैसे एग्जांपल ग्रुप में जैसे अर्थ हो गया, ये सहनशीलता का सबसे बड़ा प्रतीक अर्थ, द मून सुंदरता के लिए, नेचर सुंदरता के लिए, शिप हो गया ये आपका भी कह सकते हैं सहनशीलता के लिए, कार बस ट्रेन, नेशन पीस मर्सी रिवर चैरिटी होप, इस तरह के और भी, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए होते हैं, यानी कि ये जो लिखे हैं आपके सामने इन्हें फेमिनिन जेंडर माना गया। अब फेमिनिन जेंडर माना गया तो क्या ध्यान देना होगा, ध्यान ये देना होगा कि जब इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में दिया जाए तो इनके साथ हम क्या करेंगे, इनके साथ हम शी हर हरसेल्फ का प्रयोग करेंगे जैसी आवश्यकता होगी, जैसा सेंटेंस होगा, यानी कि सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो इनके लिए सब्जेक्ट क्या आएगा शी आएगा, और अगर पजेसिव एडजेक्टिव आया तो हर, ऑब्जेक्ट आया तो हर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हर सेल्फ। तो ये ध्यान देना कि इन सभी के लिए इनमें से कोई भी वर्ड आएगा, इट नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, कोई और वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ इनके साथ यही आएगा, ये आपको ध्यान देना हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए, जैसे लिखा द अर्थ अल्टीमेटली टेक्स बैक हर ओन प्रोडक्ट्स, ये एक सेंटेंस मैंने दिया है कि द अर्थ अल्टीमेटली टेक्स बैक हर ओन प्रोडक्ट्स, तो अर्थ समझ रहे होंगे, मतलब ये सही है, ये सेंटेंस मैंने सही लिखा। गलत कब होगा, अगर यहाँ पे हर को हटा करके इट्स लिख दिया जाए, ऐसे सेंटेंस हो जाए आपका, इट्स कर दें यहाँ पे, ये थोड़ा बन नहीं रहा है बट मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, द अर्थ अल्टीमेटली टेक्स बैक इट्स ओन प्रोडक्ट्स, अगर इट्स कर देंगे गलत हो जाएगा, हिज कर देंगे गलत हो जाएगा, देयर कर देंगे गलत, यानी हर हाल में यहाँ पे हर हाल में हर होना चाहिए, यानी कि ये द अर्थ यहाँ पे द अर्थ क्या है, ये आपका फैमिली जेंडर है, तो ये ध्यान देना। ऐसे द मून वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल विद हर कूल रेज, यहाँ पे रेज था जो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे हर का प्रयोग किया गया, यही चीज़ गलत हो जाता अगर हम कहते द मून वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल विद इट्स कूल रेज, तो इट्स कर देते या
हिज कर देते तो ये इनकरेक्ट हो जाता, तो ये मून के लिए हर का प्रयोग होगा। द शिप फॉट हर वे थ्रू द स्टॉर्मी वेव्स। अब यहां देखिए हर वे यहां कहा गया अपना रास्ता, तो शिप के लिए जो भी जैसे जितने भी इनफैक्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे कार की बात किया, बस की बात किया मैंने, ट्रेन की बात किया, शिप की बात किया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी फैमिली जेंडर माने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बियर करने की क्षमता, सबको समेटने की क्षमता, सबको सही स्थान पे पहुंचाने की क्षमता होती है। तो भाई जो फीमेल बॉडी होता है, जो फीमेल सेक्स होता है, आप जानते हैं इनके अंदर ये सभी गुण गॉड ने इन्हें गिफ्ट किया हुआ है। ये सारे जो भी गुण यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे जो बताया कि ये सारे फीमेल में होते हैं, इसीलिए इन वर्ड में ये चीज़ हो तो इन्हें फेमिनिन मान लिया जाता है। तो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, कितनी आसान सी बात है, इनको आप याद रख सकते हैं, ये पूछे भी जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंस को नोट करके चलिएगा। अब हम रूल नंबर टू की बात करते हैं। रूल नंबर टू कहता है ऐसे नाउंस जो ताकत, शक्ति, ऊर्जा यानी एनर्जी, विनाश, डिस्ट्रक्शन और दृढ़ता, फर्मनेस, इन सभी का भाव रखे, इन सभी के बारे में बोध कराए। भाई आप जानते हैं ये मेल बॉडी है, मैस्कुलिन जेंडर के ये जो है लक्षण होते हैं, मैन बॉडी के लक्षण होते हैं और ये पुरुषों के लक्षण होते हैं, ताकत। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब कि रूल है, और ये मत कहिए कि नहीं महिलाओं में ताकत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल होती है, वो भी हर क्षेत्र में है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये नियम कहता है कि नेचुरली जो ताकत का या शक्ति का प्रतीक हो, एनर्जी का प्रतीक हो और ये डिस्ट्रक्शन का प्रतीक हो, विनाश का प्रतीक हो, उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं, उन्हें हम पुल्लिंग मानते हैं, अतः उनके साथ क्या आएगा, ही आएगा, हिज आएगा, हिमसेल्फ आएगा, जैसी जरूरत होगी। अब इसमें कौन, जैसे द सन, सन जानते हैं कि सबसे बड़ा एनर्जी का रिसोर्स होता है द सन, और टाइम पावरफुल, वॉर पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी पावरफुल, वाइन पावरफुल, और ये आपका यहाँ पे है डेथ लिखा था, ये डेथ है, ये विंटर है, समर है, वाइंड है, ओसेन है, ये सारे वर्ड ये मैस्कुलिन जेंडर के माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ ही हिज हिमसेल्फ में किसी का प्रयोग करेंगे। द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, यहाँ पे इट्स नहीं कर सकते, यहाँ हर नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, तो ये सही लिखा हुआ है, कुछ और करेंगे गलत हो जाएगा। टाइम नेवर फॉरगिव्स हिज एनमी, कितनी इंटरेस्टिंग बात, समय अपने दुश्मन को कभी भुलाता नहीं है, कभी माफ नहीं करता, फॉरगिव मैंने माफ करना, तो द टाइम टाइम नेवर फॉरगिव्स हिज एनमी, तो हिज का प्रयोग किया गया, इट्स नहीं रहेगी, टाइम नेवर फॉरगिव्स इट्स एनमी, ये सही लिखा हुआ है। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, ये आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल लाइन है, ये आप इसको कई बार पढ़े होंगे हिस्ट्री, सॉरी इंग्लिश लिटरेचर में कई जगह इसका उल्लेख है लाइन का, इनफैक्ट इसे पर्सनिफिकेशन के तहत भी इसे बताया जाएगा, आगे भी आपको बताएंगे। तो हिज का प्रयोग किया गया, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रूल है जिसे आपको याद रखना होगा, और ये सब मैस्कुलिन जेंडर होंगे और इनके साथ इसलिए हिज का प्रयोग किया गया है। तीसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर थ्री काफ़ी इंटरेस्टिंग सा भी है। छोटे जीव जो होते हैं, लोअर एनिमल्स, लोअर क्रिएचर्स, उनकी बात करेंगे, और जो नवजात शिशु होते हैं वो भी अलग उसी में आएंगे, इन्फेंट्स की बात करेंगे, इन्हें न्यूट्रल जेंडर माना गया है, इन्हें हम नपुंसक लिंग मानते हैं, अतः इनके साथ इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। क्यों ऐसा किया जाता है, आप इसके पीछे का लॉजिक ये समझ लीजिए कि ऐसे जीव जिन्हें हम देख करके उनके सेक्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उन्हें सुविधा के लिए क्या मान लिया गया, न्यूट्रल मान लिया। भाई जैसे कोई बच्चा आपने देखा, अब भाई जब बच्चे छोटे होते हैं, शिशु होते हैं, वो इन्फेंट्स होते हैं, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनको बाहर से देख के आप बता नहीं सकते हो कि वो जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल, यानी वो लड़का है कि लड़की है। हम चूंकि सभी के बाल बड़े होते हैं, सभी गोल मटोल होते हैं, सभी क्यूट होते हैं, तो उस टाइम पे हम ऐसे देख करके नहीं बता सकते हैं कि वो जो बेबी है वो मेल है कि फीमेल। तो सुविधा के लिए भाई क्या किया गया, सुविधा के लिए ये किया गया कि उन्हें न्यूट्रल मान लिया गया, ताकि किसी को असुविधा ना हो। पता चला भाई कि आपने देखा कोई बेबी और आपने कह दिया कि शी इज़ वेरी क्यूट, पता लगा वो ही हो, तो उसकी मम्मी गुस्सा करेगी कि मेरे बेटे को ही बोलने की जगह तुमने शी कैसे बोल दिया, लड़ाई हो सकती है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो मतलब हम ऐसा ना हो, ऐसी स्थिति क्रिएट ना हो, तो लोगों ने क्या किया, हमारे ग्रामेरियन ने क्या किया कि ठीक है बेटा ऐसी स्थिति नहीं होगी, अगर आपको नहीं पता कि वो बेबी ही है कि शी है, उसको ठीक है इट बोल दो, उसे नॉन लिविंग में रख दो, उसे न्यूट्रल जेंडर में रख दो, नो प्रॉब्लम, कोई लड़ाई नहीं होगी, हमने उसे इट बोल दिया। तो यही बात जानवरों पे भाई, जो छोटे छोटे से सांप हो गया आपका, ठीक है बिच्छू हो गया, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको देख करके आप बता ही नहीं सकते कि वो फे भाई वो मेल है कि फीमेल है।
कैसे बताएंगे? तो उनके लिए क्या क्या इट का प्रयोग किया, उन्हें नॉन लिविंग मान लिया गया। तो ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा। तो वहां पे इट का प्रयोग कर दिया जाएगा। एग्जांपल लिखा गया, आई सॉ अ बेबी, मैंने भेज दिया, इट वॉज वेरी क्यूट। ठीक है, सही किया मैंने कि गलत? सही किया। अगर हम ये कहें आई सॉ अ बेबी ही वॉज वेरी क्यूट, अब हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ही कर दिया तो हमें थोड़ी ना पता कि जो बेबी हमने देखा वो ही है, और यह हमने शी कर दिया, तो इस परिप्रेक्ष्य में ये गलत माना जाता है, तो इट रहेगा। हाँ, यहाँ पे कंडीशन जरूर बताएगी, ये कंडीशन ये बताइए कि अगर कोई फैमिली मेंबर किसी बेबी के बारे में कोई बात कहता है, इनफैक्ट उसकी मम्मी या पापा कुछ कहते हैं, तो वो ही या शी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उससे वाकिफ होते हैं, उससे परिचित होते हैं, उसके जेंडर के बारे में जानते हैं, तो उस कंडीशन में। और ये कैसे पता होगा कि मम्मी कह रहे हैं पापा कह रहे हैं, तो उसमें कोई प्रीवियस फर्दर इन्फॉर्मेशन दी रहेगी सेंटेंस में, कोई एक दो सेंटेंस और आगे दिया रहेगा, उससे अगर ये पता चल जाए कि जो जो व्यक्ति बोल रहा है वो उस बेबी का मदर या फादर कोई एक है या उसकी क्लोज फैमिली का है, तो वो ही शी का प्रयोग कर सकता है। इनफैक्ट आप अगर खुद वाकिफ हों उस बेबी के बारे में, क्यों आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हैं, उसके बारे में पहले से जानते हैं, तो बेबी के लिए भी आप ही शी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा आप जानते हो कि वो ही है या शी। जैसे आपने कहा कि देर इज अ स्मॉल बेबी इन माई फैमिली, शी इज वेरी क्यूट, तो आपने कहा इंट्रो दिया ना कि मेरे परिवार में छोटा सा बच्चा है, तो यानी कि आप उसको ऑलरेडी जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, तो वहां पे शी कर सकते हैं, शी इज वेरी क्यूट, ही इज वेरी क्यूट, ये आपको ध्यान देना होगा। ओके, दे हैव किल्ड अ स्नेक, इट इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड। देखिए यहाँ पे कहा कि उन्होंने एक सेब सांप मारा है, और इट इज, अब यहाँ पे ही अगर हम कर देते कि ही इज स्टिल लाइंग, सांप कहेंगे सर, सांप तो भाई होता है मेल, लेकिन सांपिन जिसको आप नागिन कहते हैं, तो चूंकि हम जानते नहीं है, इसलिए उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग कर देंगे, तो ये चीज़ है। तो आई होप बहुत ईजी है, इसको याद रख पाएंगे, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है, तो ये इंटरेस्टिंग है ये पार्ट की। लोअर एनिमल्स और जो इन्फेंट्स होते हैं उन्हें न्यूट्रल जेंडर मानते हैं, इसलिए उनके लिए इट इट्स इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है, और अगर हम उनसे परिचित हैं, उनके जेंडर के बारे में जानते हैं, तो हम वहाँ पे ही शी का प्रयोग रिस्पेक्टिवली कर सकते हैं जैसा हमें ज़रूरत हो। तो ये तीन नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसी तरह से और भी कुछ नियम होंगे जेंडर के, जिनका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, थोड़ा थोड़ा आप तैयार करते जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और इंग्लिश से आसान और मज़ेदार कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता है, मेरा पर्सनल ये अनुभव है, मैं इसे बहुत लाइक करता हूँ पढ़ाते समय, आई एंजॉयड, तो आप भी इंजॉय करेंगे अगर आपको आने लगेगा, और आएगा ज़रूर, अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी होता है। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करिए, लाइक का बटन दबाएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम और मेहनत के साथ आपकी परीक्षा को आसान बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, और आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर ना करें, लाइक करें, दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, ज्ञान को बढ़ाएं, सभी को बताएं कि इंग्लिश कितना इजी है, हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, और मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो आप भी पुण्य का काम करेंगे, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, बाकी आप अगर पुण्य कमाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनकी भी इंग्लिश आपकी तरह स्ट्रांग हो जाए। दोस्तों अच्छा लगा लाइक करिएगा, और फाइनली मैं दिल से आपको शुक्रिया बोलता हूँ वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, जय हिंद।